आज मैं आपको ऐसे अनोखे इंसेक्ट्स मिलाने वाला हूँ जिसका नाम आपको बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लगेगा और लेने में भी जो है आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो हम धीरे धीरे जो है उसका नाम लेना सीखेंगे इस पूरे पोयम में। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेखर सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड पोयम ऑफ नाइन्थ चैप्टर ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लो। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, अब जो मैं इसका एक स्टैंजा जो है रीड करूंगा और आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से जो है इसको सुनिएगा। देयर इज अ वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ऑफन स्पाई एंड इट इजंट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इजंट क्वाइट अ फ्लाई। इट इज समथिंग लाइक अ बीटल एंड अ लिटिल लाइक अ बी बट नथिंग लाइक अ वुली ग्रब दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री। इट्स नेम इज quite a hard one but you will learn it soon I hope so try anti wanty gongo lobe। तो देखिए इस स्टैंजा में जो है पोएट ने क्या बोलने की कोशिश की है कि एक बहुत ही अजीब जो है इंसेक्ट, मतलब कीट है, कीटक बोलते हैं उसको, कीटक है जिसे आप अक्सर जो है वो नहीं देखते हैं। ठीक है, ये ना तो मकड़ी की तरह है और ना ही मक्खी की तरह है और यह एक बीटल की तरह भी जो है वो नहीं है और यह एक मधुमक्खी की तरह, यह एक ऊनी छोटे मोटे कीड़े की तरह भी नहीं है जो किसी पेड़ पर चढ़ता है। यह सिर्फ एक मजाक था और मुझे जो है इसके लिए एंड इट्स नेम इट्स क्वाइट हार्ड बट यू विल लर्न इट सून, और मुझे माफ़ कर दीजिए, इसीलिए कोशिश करें, यू विल लर्न सून इट इजीली, ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लो। तो पोएट जो है बताना चाहते हैं स्टैंजा से कि ना तो ये किसी स्पाइडर के ऐसा है, ना ये किसी इंसेक्ट के ऐसा है, ना किसी बीटल के ऐसा है, ना ही किसी वो बी के जैसा है। ये सिर्फ उनका एक किया हुआ मजाक है आपसे, जिसको उन्होंने एक इमेजिनरी जो है वो इंसेक्ट को नाम दिया है और जो चाहते हैं कि आप जो है वो बोलना सीखे। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लो। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में इसका क्या दिया हुआ है। इट लीव्स ऑन अ वीड्स एंड वेटल गम एंड हैज अ फनी फेस, इट्स एपेटाइट इज हर्टी एंड इट्स अ मैनर्स अ डिसग्रेस, व्हेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट इट विल गिव यू क्वाइट अ स्केयर। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। बट व्हेन यू लुक फॉर इट अगेन यू फाइंड इट इजंट देयर एंड unless you call it softly it will stay away and move so try। अभी इसमें क्या बोला है स्टैंजा में कि ये जो कीट है, जो कीटक जो है वो क्या है, घास फूस और कुछ पेड़ों के गोंद पर जो है वो क्या होता है, जीता है और इसका चेहरा अजीब है, अजीबो गरीब है और इसकी जो भूख है वो बढ़ रही है, बड़ी है और उसकी आदतें जो है वो काफ़ी जो है क्या है, चौंका देने वाली है। और जब ये पहली बार सामने आता है तो ये काफ़ी आपको क्या कर देगा, डरा देता है। और जब आप इसे फिर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि यह वहाँ नहीं है और आप इसे धीरे धीरे से क्या करते हैं, बुलाते हैं या खुद के लिए जो है बहुत जो है क्या करते हैं उस पर जो है आपको एक सॉरी महसूस होता है, खेद महसूस होता है करते हुए, जो है वो आपसे क्या होगा, वो दूर रहेगा। इसलिए जो है कोशिश करिए इसका नाम लेने का ताकि ये आपके पास आ जाए, ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, बट नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फिफ्थ स्टैंडर्ड के हमने लेसन पोयम और जो है बहुत सारे बना के रखे हैं जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई कार्ड के बटन में जो है वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जो है जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट्स टोज, इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ अ स्नबिश नोज, if you sneer at it or scold it it will scuttle off in a shame but it purrs and peers quite proudly if you call it by its name and offer it some sandwiches of sealing wax and soap so try। आगे देखिए इस स्टैंजा में क्या दिया हुआ है कि यदि आप इसे गुदगुदी करते हैं, if it trembles if you tickle करते हैं या इसके पैर की उंगलियों पर एकदम पर जो है वो कदम रखते हैं तो यह घबराता है और ये जल्दी उठने वाला नहीं है, इसकी एक लंबी क्या है, मोटी नाक है। यदि आप नापसंदी
से अगर इसे देखते हैं और बुरा कहते हैं तो ये जल्द ही छोटे पैरों के साथ शर्म से दूर जो है वो भाग जाता है। लेकिन अगर आप इसे इसके नाम से पुकारते हैं तो ये काफ़ी खुशी से जो है वो आता है, साथ आता है आपके, और इसे जो है वो सीलिंग मोम और साबुन के कुछ सैंडविच जो है वो क्या करते हैं दीजिए। तो इसीलिए जो है उसका नाम आप कोशिश करिए बोलने की, ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आंसर में क्या दिया हुआ है। बट ऑफ कोर्स यू हैवंट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस दैट आई हैवंट सीन इट आइदर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट दो देयर रियली माइट हैव बीन इफ द ट्रीज एंड ग्रास वर पर्पल एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइंड विच यू विल फॉरगिव आई होप ओ ट्राई। अब देखिए इसमें जो है पोएट ने क्या बोलने की कोशिश की है, लेकिन निश्चित रूप से ठीक है, बट ऑफ कोर्स निश्चित रूप से आपने इसे नहीं देखा होगा और मैं सच कबूल करता हूँ कि इसे मैंने भी जो है वो नहीं देखा है और मुझे इसका पता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई किट है ही नहीं, किटक जो है वो तक इंसेक्ट जो है ऐसा कोई है ही नहीं। हालांकि वास्तव में ऐसा हो सकता है यदि पेड़ और घास बैगनी रंग के होते और आकाश हरे रंग का होता तो यह सिर्फ एक मजाक था और इस मजाक के लिए जो है मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा जो है पोएट बोल रहे हैं। इसलिए कोशिश करें इस अजीबोगरीब जो है इमेजिनरी किटक का नाम लेने का, दैट इज ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लो। सो आई होप आपको ये जो नाम जो है वो इजीली प्रोनाउंस करने आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो आप मैं कमेंट सेक्शन में इसका नाम प्रॉपरली विथ स्पेलिंग लिख के भेज सकते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ चुका है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पोएम में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सरक सरपकरा 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 सरपकरा।